तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मिनी मिलिशिया वीडियो। और आज मैं करने जा रहा हूँ मिनी मिलिशिया के बैटल पास सीजन 9 के सभी फ्री रिवॉर्ड को कलेक्ट। तो बेसिकली वैसे तो ये वीडियो काफी टाइम पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे थोड़ा देर हो चुका है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा देर हो चुका है भाई ये वीडियो बनाने में भाई, क्योंकि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिलता था यार इस चीज के ऊपर वीडियो बनाने का। और ना ही मेरा भाई अभी तक बैटल पास पूरा कंप्लीट हुआ था भाई, एक दो पे अटका हुआ था अभी 3-4 दिन पहले। वो तो बड़ी मुश्किल से भाई करते करते मैं 30 पे आया हूँ बड़ी मुश्किल से। तो आज मैं सारे के सारे भाई फ्री रिवॉर्ड को कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई साहब। देखने रहना कि लास्ट तक भाई क्या क्या चीजें मिलने वाली है हम लोगों को। तो अब जल्दी से वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले भाई ये 100 कॉइन को कलेक्ट करते हैं जल्दी से। और वैसे तो और भी सारे दुनिया भर के इसमें भाई चीजें निकलने वाली है, सबसे पहले 100 कॉइन। तो यहाँ पे हमें 100 कॉइन मिल चुके हैं। वैसे तो कॉइन वॉइन की ज्यादा जरूरत है नहीं भाई, सही बता रहा हूँ मैं, लेकिन सब में से कॉइन ही निकलने वाले मुझे पता है। ये देखा डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट है सब में भाई, पहले से यार फुल अपग्रेड हो चुका है यार। तुम भाई चीजें फालतू में पकड़ाओगे, खैर इनकी भी क्या ही गलती है भाई, सब तो वैसे ही फुल अपग्रेडेड है। और यहाँ पे भाई देखते हैं भाई, सिर्फ देखना ही काम है अभी तो इसमें और यहाँ पे भाई 6 कैश वगैरह सब मिल चुका है, रेयर कार्ड से कुछ उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे भी भाई फालतू की चीज टेगराइन दे दी यार इसने, टेगराइन का तो भाई अब गन का यूज भी नहीं करता मैं ज्यादा खैर ज्यादा मैचों में मिलती भी नहीं, मतलब मैप वगैरह में मिलती भी नहीं अब तो ये। और बाकी भाई तुम देखते जाओ क्या क्या निकलने वाला है यहाँ पर। और ये तो नॉर्मल से कार्ड है, इन कार्डों से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे नॉर्मल कार्ड से। और यहाँ पे भाई ये वाले स्टैंडर्ड क्रेड से भी फालतू चीज़ें निकली है, नॉर्मल कार्ड है भाई, इससे भी ज़्यादा कुछ खास निकला नहीं है। मैं जल्दी जल्दी जान में उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई कोई फ़ायदा है नहीं यार ज़्यादा देर तक दिखाने का, कोई नई चीज़ें तो है नहीं। और यहाँ पे भाई इसमें से भी कोई खास चीज़ नहीं निकली है, इस वाले कार्ड से उम्मीद है भाई। और ये फसार दे दिया भाई, क्या मतलब है इसका यहाँ पर 600 कॉइन है, इसे भी ले लिया हम लोगों ने। और अब इस वाले ग्रेड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है भाई, स्पेशल ग्रेड है, इसमें से निकलती है भाई काफ़ी चीज़ें नई, लेकिन भाई उम्मीद करना बेकार है, हटाओ बाढ़ में जाइए और भाई ये वाली स्किन मिल चुकी है, ये मेरे पास पहले से कभी मतलब पहले नहीं थी मेरे पास, भली ऐसे ऐसे ये वाला बैटल पास पहले भी आ चुका है, लेकिन उस समय मैंने ये वाला साइड से खेला नहीं था इसलिए मेरे पास नहीं है ये वाली स्किन। बाकी भाई यहाँ पे दो रेयर कार्ड है, देखते हैं भाई इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और यहाँ पे भाई ये विग निकला है भाई, चलो कुछ तो नया निकला कम से कम फिर से देखो टेकराइन का कार्ड दे दिया दूसरे वाले में, भाई तुम यार सुधर जाओ यार मिनी मिलिशिया वालों चलो भाई कैश वैश तो भाई जितने चाहे उतने दे दो। और यहाँ पे देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा थोड़ा धीरे धीरे भाई साहब यहाँ पे यार भाई फालतू चीज़ है। अब ये लास्ट के 2 बचे हुए हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इनमें कुछ नई चीज़ें निकल गएंगी। तो भाई यहाँ पे AR-15 का भाई कार्ड मिल चुका है अपने को, एपिक कार्ड है वैसे भी है चलो कुछ तो नया निकला क्योंकि इन सभी चीज़ों में से कम ही उम्मीद रहती है, लेकिन एपिक चीज़ है तो भाई सीधी सी बात है वो मेरी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड नहीं हो रखी है एपिक में। और इसमें से तो अभी तक सब डुप्लीकेट ही निकलता जा रहा है भाई लाइट क्रेड में से, चलो देखते हैं। और यहाँ पे कुछ एपिक निकला और भाई साहब पंप एक्शन शॉट गन का भाई एक कार्ड निकल गया, इसके 2 और कार्ड निकल जाएंगे तो भाई मैं इसे अपग्रेड कर पाऊंगा, चलो कुछ तो सही निकला। सिर्फ पूरे बैटल पास में कुल मिला के 3 नई चीज़ें निकली है मेरे लिए, 3 नई चीज़ें बस, एक विग था भाई, 2 एक फिर उसका पंप एक्शन शॉटगन का कार्ड था और AR-15 का एक कार्ड था, तो बस यही 3 चीज़ें थी, बाकी सब तो भाई पुरानी दुरानी चीज़ें सब डुप्लीकेट ही बाहर आया। तो भाई तुम लोगों ने देख लिया होगा कि ये रिवॉर्ड कलेक्शन का वीडियो कैसा रहा मेरा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और बाकी मेरे पास एक और अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए, और वो ये है कि भाई हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, वो भी संडे को, मैं तुम लोगों से टाइम वाइम पूछूंगा या फिर संडे को। भाई यार मेरा मेन टाइम तो यही है कि हो सकता है कि मैं 3:30 से 4 के बीच में कभी भी लाइव स्ट्रीम करने लग जाऊँ, तो देखना जरूर उससे। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।